बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज की वीडियो बुराक BURAK से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने टाइम साको बुराक पे भी किया हुआ था। अब इनकी नई अपडेट आ गई है, सो इसको रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं कैसे होता है और क्या फ़ायदा है इसमें, मैं अब आपको बताऊँगा। चले चलते हैं। तो गाइज़, फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटर सिटी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कार टाइप में स्टैंडर्ड जो है वो मिनी कैटेगरी में है, क्योंकि स्टैंडर्ड में अगर आप देखें तो महरान वगैरह और पुरानी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और जो गो कैटेगरी की गाड़ी है वो स्टैंडर्ड प्लस में है। स्टैंडर्ड प्लस में आप देख सकते हैं कि मूव, वैगन आर, पासो, वेट्स और इस तरह की गाड़ियों के नाम हैं जो भी जापानीज़ वगैरह हैं, ठीक है। सो पहले इनकी ऐप में प्रॉब्लम था, अब ये रिकवर हो गया। सो मैं इसमें सुजुकी वैगन और गाड़ी का जो कलर है वो लिखूँगा। उसके बाद सबसे अच्छी इनकी चीज़ जो मुझे लगी है वो आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी इनकी इंटरसिटी आउट स्टेशन के लिए अगर आपने जाना है, और गाड़ी रेंटल पर्पस के लिए अगर आपने देनी है तो वो भी आप सेलेक्ट इसमें कर सकते हैं। फिर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस इसमें अपलोड करना है, अपना आइडेंटिटी कार्ड, और फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे। सो चलें इसमें रजिस्टर होते हैं। फॉर्म मैंने फ़िलअप कर लिया, अब ये लोडिंग कर रहा है, आगे फिर आपको बताता हूँ। A few moments later. सो इन्होंने अब आगे ऑनलाइन वगैरह के लिए मुझे ले गए थे, और इन्होंने अभी कहा है कि आप थोड़ा वेट करें, हमारी अथॉरिटीज़ इसको वेरीफाई करके हम आपको फिर बताएंगे। सो इस तरीके से ये करना है। ईमेल और पासवर्ड अब मुझे याद है, वो मैं डालूंगा और एंटर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो गाइज़, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आए, और इस वीडियो को शेयर करें।